सर, मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सबको अपना यूट्यूब चैनल मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज पे। तो दोस्तों, आज हम बेसिक एक्सेल के इस वीडियो में सीखेंगे फिल्टर। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फिल्टर क्या होता है और फिल्टर को हम कैसे यूज करते हैं। और आप सबको मैंने पहले से ही इन्फॉर्म किया है और आज मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो एक्सेल है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप में से कोई साइंस साइड से हैं, आर्ट्स हैं या कॉमर्स हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये एक्सेल। खास के उन स्टूडेंट के लिए जो अपने आप को जॉब के लिए सेटल करना चाहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है फिल्टर, ये तो आप सभी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कंपनी, फॉर्म, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, मॉल, हर एक संस्था में यूज़ की जाने वाली टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आप सभी को ये वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिल्टर। तो दोस्तों, फिल्टर होता क्या है? फिल्टर का काम एक्सेल में रिकॉर्ड करने का काम, सॉरी, सर्च करने का काम है। यानी कि आप जो भी सर्च करना चाहते हैं अपने डेटा में से, वो डेटा आपके सामने शो कर देंगे। जैसे कि ये मेरे पास लिस्ट है, आपके पास इससे भी काफ़ी लंबे लिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट है बिल्कुल एक सैम्पल है, बट आपके पास हजारों में लिस्ट हो सकते हैं। और उन हजारों डेटा में से आपका जो कुछ डिजायर डेटा होगा जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, तो उसको सर्च करने के लिए आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर क्या करता है? पूरे डेटा में से आपके जो डिजायर्ड डेटा है, आप जो डेटा चाहते हैं उसको आपके सामने शो करेगा और बाकी डेटा को हाइड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम फिल्टर को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों, फिल्टर यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो इसका हैडर है, ठीक है, ये जो हैडिंग है, आपको हमेशा हैडिंग को सिलेक्शन करना है। हम क्या करते हैं, हैडिंग को ही हैडर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये पूरा डेटा सिलेक्शन नहीं करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक्सेल में हम जो फिल्टर करते हैं उसके लिए मुझे पूरा का पूरा डेटा सिलेक्शन करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसका जो हैडर है आप हैडर को सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद फिल्टर यहाँ पे दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक क्या है कि अभी आप होम टैब में हैं और होम टैब से आप आ जाएंगे एडिटिंग ब्लॉक। यहाँ पे आपको ये सामने दिख रहा है फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पे फिल्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका फिल्टर यहाँ पे लग गया है। अभी सिर्फ फिल्टर लग गया है, फिल्टर से हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। अभी बस हम ये सीख रहे हैं कि फिल्टर लगाना कैसे है और हटाना कैसे है। तो फिल्टर यहाँ से मैंने लगाया था, और जब आपको हटाना भी होगा तो आप यहाँ से इसे फिर से इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ भी मेंशन किया है कि आपको फिल्टर लगाने के लिए होम टैब से एडिटिंग ब्लॉक, और यहाँ से आपको फिल्टर में जाना है। सेकेंड प्रोसेस क्या है फिल्टर लगाने का, कि सबसे पहले फिर वही चीज़ कि आपको अपना हेडिंग सिलेक्शन करना है और होम टैब से आपको चले जाना है डेटा टैब में। यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक में आना है, और यहाँ पे आपके पास फिल्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि आपको क्या करना है, डेटा टैब में जाना है और यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक, देन फिल्टर। तो आपको समझ में आ गया कि फिल्टर आपको कहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दो पैटर्न्स है, दो प्रोसेस है फिल्टर लगाने का। या तो आप होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, या आप डेटा टैब में से शॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक में से फिल्टर का यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको शॉर्टकट यूज करना होगा तो हमारे पास शॉर्टकट भी है। फिल्टर यूज करने का शॉर्टकट दो चीजें, एक आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, और सेकेंड है आपका ऑल्ट ए प्लस टी। अगर इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ, देखिए मैंने क्या किया, वही चीज आपको सबसे पहले करना है, आपको अपना हेडर सिलेक्शन करना है। उसके बाद शॉर्टकट क्या है, पहले आप कंट्रोल शिफ्ट एल,
कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके रखेंगे तो आपका यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट एल आप प्रेस करते हैं तो ये फिल्टर आपका रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ऑल्ट ए टी प्रेस करेंगे तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और फिर आपको अगर रिमूव करना होगा तो आप ऑल्ट ए टी यूज़ करके फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में सीखा है कि फिल्टर क्या है और फिल्टर को हम कैसे लगा सकते हैं। तो फिल्टर लगाना या हटाना ये आपने अभी तक समझ लिया। अब हम देखते हैं कि फिल्टर को हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिल्टर इसमें अप्लाई करता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट एल। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, फिल्टर का काम है जो भी आपका डिजायर डेटा है वो आपके सामने शो हो जाएगा और बाकी जो डेटा है वो आपका हाइड हो जाएगा। फिल्टर में ये जो आप देखते हैं, अगर हेडर के नीचे पूरा का पूरा नंबरिंग है तो ये आपका ऑटोमेटिक क्या शो करता है, नंबर फिल्टर। ठीक इसी तरीके से इन सब के नीचे क्या है, नंबर है, तो ये आपका नंबर फिल्टर शो करता है। अगर हेडर के नीचे आपका क्या है, टेक्स्ट, तो ये आपका क्या शो करेगा, टेक्स्ट फिल्टर। और दोनों का अलग अलग फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैं पहले नंबर फिल्टर में चले जाऊँ तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में ये आपके पास बाय डिफॉल्ट यानी कि प्री डिफाइंस क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो ये सारे क्राइटेरिया आपके पास प्री डिफाइन है, तो ये क्राइटेरिया का आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक दो मैं भी यूज करके आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसका टोटल सेल हमने इस ईयर में 1 लाख से ऊपर का किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मेरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि इस ईयर्स में ये जो मेरा टोटल सेल्स है इसके अंदर कौन कौन सी ऐसे प्रोडक्ट है जिसका सेल हमने 1 लाख से ऊपर का किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको नंबर फिल्टर के ऊपर जाना है। नंबर फिल्टर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्राइटेरिया शो हो रखा है। आपको क्या करना था, 1 लाख से ऊपर के वैल्यू को शो करना है, तो इसके लिए आप ग्रेटर देन का यूज करने वाले हैं। ग्रेटर देन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप टैप कीजिए 1 लाख, ठीक है, मैंने 1 लाख टैप कर दिया है और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए आपके पास जो भी डेटा था उसमें से अब सिर्फ वही डेटा शो कर रहा है जिस प्रोडक्ट का टोटल सेल आपका 1 लाख से ऊपर का है। तो इस तरीके से आप फिल्टर को यूज कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर हटाने के लिए फिर इसी के ऊपर जाना है और यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम टोटल। तो आप इस तरीके से फिल्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसका सेल हमने 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में किया है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, टोटल, यहाँ से आप नंबर फिल्टर में हम क्या करेंगे, इस बार बिटवीन का यूज करेंगे। बिटवीन क्वेश्चन क्या था कि 2 लाख से 5 लाख के बीच में, ठीक है, मैंने 2 लाख लिख दिया, फिर यहां पे 5 लाख टाइप कर रहा हूं, ठीक है, आपको यहां पे टाइप कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। तो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल वायर, एक्सटेंशन बोर्ड और मास्टर स्विच, जिसका आपने सेल इस ईयर्स में 2 लाख से 5 लाख के बीच में किए हैं, ठीक है। फिर जब आपका काम हो जाए तो फिर से आपको यहीं पे जाना है और क्लियर फिल्टर फ्रॉम टोटल कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फिल्टर को हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नंबर फिल्टर पर जाके अभी ग्रेटर देन का यूज करना सिखाया है, बिटवीन का यूज करना सिखाया, इसी तरीके से आपके पास जो भी क्राइटेरिया होगा आप इन सब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको 1 लाख से ऊपर का वैल्यू देखना है, तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज कर दिया। अगर आपको
1 लाख और 1 लाख से ऊपर का वैल्यू देखना है, तो इसके लिए आप ग्रेटर देन और इक्वल का यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जितने भी 1 लाख से कम का प्रोडक्ट मैंने सेल किया वो शो हो जाए, तो उसके लिए लेस देन हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर आपको 1 लाख या 1 लाख से नीचे का वैल्यू शो करना है, तो इसके लिए आप लेस देन और इक्वल टू यूज कर सकते हैं। बिटवीन अभी मैंने आपको समझाया ही है। अगर आपको टॉप 10 सेल्स सर्च करना है, तो इसके लिए आप टॉप 10 के ऊपर सिलेक्शन कर देंगे। और हाँ, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है अबव एवरेज और बिलो एवरेज का, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो टोटल सेल्स है उसका एवरेज के ऊपर का डेटा आपको शो करना है या एवरेज से नीचे का डेटा शो करना है, तो उसके लिए आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये समझा एक बार सर्च करके दिखा रहा हूँ कि ये जो डेटा है इसमें से अबव एवरेज कितना है, यानी कि एवरेज से ऊपर मैंने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो इसके लिए आपको फिल्टर, नंबर फिल्टर, और यहाँ से आपको अबव एवरेज में चले जाना। ये देखिए, सिर्फ 3 ऐसे प्रोडक्ट है, टीवी, फैन और एसी, जिसको मैंने एवरेज से ऊपर का सेल किया है। ठीक है, अगर आपको रिमूव करना होगा तो आपको अब पता चल गया होगा कि क्लियर फिल्टर फ्रॉम टोटल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नंबर फिल्टर में इन सभी का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इक्वल देखना होगा किसी नंबर का, तो इक्वल प्रेस करेंगे, सॉरी इक्वल का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं डज नॉट इक्वल, यानी कि जैसे कि आपको 80,000 के इक्वल में सेल्स नहीं देखना है, तो उसके लिए आप डज नॉट इक्वल का यूज कर सकते हैं। आप इन सभी क्राइटेरिया का यूज करके देखना है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नंबर्स फिल्टर देखने के बाद टैक्स फिल्टर। इन सब हेडर के नीचे नंबर है, इसलिए ये सारे के सारे आपका नंबर फिल्टर ही कहलाते हैं। अब प्रोडक्ट इसमें क्या, पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट है, यानी कि ये आपका टैक्स फिल्टर होने वाला है। तो टैक्स फिल्टर में भी आपका सेम है, इक्वल, डज नॉट इक्वल। अगर आपको किसी प्रोडक्ट सर्च करना है तो इक्वल में हम जाएंगे, और यहाँ पे जैसे कि मुझे एसी सर्च करना है तो यहाँ पे मैंने एसी लिख दिया। तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एसी आएगा और बाकी डेटा रिमूव हो जाएगा। फिर मैं अभी क्लियर करता हूँ फिल्टर को। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है उसमें सिर्फ एसी नहीं, सॉरी एसी छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाए, क्योंकि एसी का आउटपुट मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो आप एसी छोड़ के बाकी सब कुछ देखना चाहते हैं, इसके लिए आप डज नॉट इक्वल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एसी टैप करेंगे तो एसी छोड़ के बाकी सारे के सारे डेटा आपके सामने आ जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं टैक्स फिल्टर को। अगर आपको पूरा नाम नहीं लिखना है, स्टार्टिंग का वर्ड लिखना है या एंड का वर्ड लिखना है, तो आप बिगिंग विद या एंड विद का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ई से शुरू होते हैं, यानी कि ई वाले हैं। तो ये देखिए आपके सामने दो चीजें, वायर और एक्सटेंशन बोर्ड, तो ये आपके सामने शो हो जाएंगे आपका डेटा। ठीक है, तो आप इस तरीके से फिल्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका कंटेन और डज नॉट कंटेन, ये भी आपका इक्वल और डज नॉट इक्वल के जैसे ही काम करते हैं। फिल्टर, ये जो टैक्स फिल्टर है इसको आप नॉर्मल यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ये जो टैक्स फिल्टर, यहाँ से भी अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सीनियर पूछता है, बेटा एक काम करो, मुझे एसी का टोटल सेल कितना है एक बार मुझे बताओ। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट एसी पे जाऊँगा, एसी लिख दिया और एंटर कर दिया, तो आपके पास एसी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करके देखना। अगर आपके सीनियर आपसे कह रहे कि मुझे दो डेटा देखना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे पहले आप क्लिक करके इसको सार को रिमूव करना है। जैसे कि मुझे एसी के साथ ओरियंट फैन भी देखना है, तो एसी और ओरियंट फैन के ऊपर आपको क्लिक करना है, देन ओके करना है। तो इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आई होप आपको फिल्टर समझ में आ गया होगा, नंबर फिल्टर कैसे यूज करते हैं और टैक्स फिल्टर कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों का, ये जो नंबर फिल्टर और टैक्स फिल्टर के जो दोनों क्राइटेरिया हैं प्रीडिफाइन, आपको सभी क्राइटेरिया को यूज करके देखना है। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें आप सभी। थैंक यू।